भी ऐसा मुफ्ती है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ बाय नफ्सियात हूँ, और मैं पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, और मैं बतौर हमारे नफ्सियात इबादत अस्पताल पेशावर और ब्राजील में जो की खिदमात में अंजाम दे रहा हूँ, और मैं जिला मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। इस दफ़ा आपको पता है कि 2021 10 अक्टूबर को एक दफ़ा फिर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस दफ़ा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। इस दफ़ा मेंटल हेल्थ डे की खासियत और इम्पोर्टेंस एक दफ़ा फिर बढ़ चुकी है, बल्कि पिछले मेंटल हेल्थ डे के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि हम सबको पता है कि मार्च 2020 में पाकिस्तान को कोविड-19 ने हिट किया, इसके जिस्मानी नुकसान से ज़हनी नुकसान थे, और वो दो वजूहत की वजह से थी। एक तो लॉकडाउन हुआ, लोगों में अनसर्टेनिटी आई, लोगों का फाइनेंशियल नुकसान हुआ, लोगों का माशी नुकसान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का सामाजिक नुकसान हुआ। और आप देख रहे हैं कि लोगों के मेल जोल के तौर तरीके बदल चुके हैं, अब लोग उस तरह से गले नहीं मिलते, और ये ह्यूमन नीड है, हम सब लोगों की जरूरत है कि हम लोग उससे गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। और जब जहाँ एक हजूम इकट्ठा होता था, जहाँ पे हम लोगों को पहले मजा आता था, अब हजूम इकट्ठा होते ही हम लोगों को डर लगने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारी ज़हनी सेहत में खलल और खराब और दुश्वारी की। अनसर्टेनिटी आ चुकी है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ हमारे नौजवान हमारे बच्चों की, कि उनके इम्तहान में उनको पता नहीं होता कि उनके इम्तहान होंगे भी या नहीं, स्कूल आज खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी वजह है। और इसके साथ साथ फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और अभी रिसेंटली अपने फोर्थ वेव गुजरा। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कोविड-19 जिस्म के साथ साथ उस ज़हनी सेहत को मुतासर करती है। हमने ये देखा कि पोस्ट कोविड फटीग वो आपके ज़हनी सेहत को मुतासर करती है, वो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ मरीजों में हमने देखा साइकोसिस जैसी बीमारियाँ भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीजों में वो याददाश्त की बीमारी यानी कि कॉग्निटिव डिसफंक्शन देखने मिला है। और देखा यह किया है कि वो कोविड-19 जैसी बीमारी से रिकवर करने के बाद भी उनको 6 से 8 महीने लगते हैं कि अपनी पुरानी जो उनकी ज़हनी शार्पनेस, मेंटल शार्पनेस थी, उसमें वापस आने के लिए। तो लिहाजा मेरा ये पैगाम है इस मेंटल हेल्थ डे पे कि अपनी ज़हनी सेहत पे बहुत तवज्जो दें, जितनी जिस्मानी सेहत पे तवज्जो देते हैं उतनी ही ज़हनी सेहत पे तवज्जो दें। शुक्रिया।